नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टप्पर जी के स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 1000 साइंस क्वेश्चंस सीरीज का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके आने वाले सब्जेक्ट एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एलिमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम। राइट आंसर है नाइट्रेट, यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए जो जिम्मेदार है वो नाइट्रेट है। क्वेश्चन टू, व्हाट इज एनोस्मिया। राइट आंसर है लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि स्मेल हम यानी कि सूंघने की जो सेंस कम हो जाती है, तो उसको हम लोग एनोस्मिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स प्रोवाइडिंग प्रोटीन क्वालिटी नियरेस्ट टू दैट मीट। राइट आंसर है स्प्राउटेड ग्राम एंड ग्राउंड नट्स, ये जो हैं ये मीट के बराबर प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। ओके, ग्राम और ग्राउंड नट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। राइट आंसर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37.4 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फंगस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टीका डिजीज इन ग्राउंड नॉट। राइट आंसर है सेरकोस्प्लोरा परसोनाटा। सेरकोस्प्लोरा परसोनाटा यानी कि ग्राउंड नॉट में जो टीका डिजीज है उसके लिए जिम्मेदार होता है ये फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म फॉर नेचुरल वेजिटेशन इज एसोसिएटेड विद साइबेरिया। राइट आंसर है ताइगा, यानी कि जो ताइगा है वो साइबेरिया में जो नेचुरल वेजिटेशन करते हैं उसको ताइगा के टर्म से बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सॉल्ट फाउंड इन बोन इन लार्जेस्ट अमाउंट। राइट आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट बोन में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच फॉलोइंग डिफिशियंसी कॉजेस गोइट्री। राइट आंसर है आयोडीन, आयोडीन की कमी की वजह से गोइट्री एक बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंगस मेक्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द रूट ऑफ हायर प्लांट। राइट आंसर है माइक्रोहाइजे, माइक्रोहाइजे एक फंगस है जो कि हायर प्लांट में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड स्प्रेड थ्रू फैकल मैटर ऑफ हाउस फ्लाइज। राइट आंसर है टाइफॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। राइट आंसर है कैम्बियम, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ टिश्यू की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कैम्बियम जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चैम्बर ऑफ हार्ट फाउंड इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य शरीर में जो हार्ट पाए जाते हैं उसमें कितने चैम्बर होते हैं। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट आर स्वीट इन टेस्ट ड्यू टू। राइट आंसर है फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज के लिए जो फ्रूट्स हैं वो मीठा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्ट्रक्चर इज कॉमन टू बोथ आर्थवर्म एंड कॉकरोच। राइट आंसर है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड आर्थवर्म और कॉकरोच में कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिवर इज रिच सोर्सेस ऑफ। राइट आंसर है फैट सोल्यूबल, यानी कि फैट ज़्यादा मात्रा में लिवर में पाया जाता है फैट सोल्यूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉलोइंग मैन एक्सक्रेटरी वेस्ट यूरिक एसिड। राइट आंसर है स्पेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज कॉल्ड। राइट आंसर है सेरोलॉजी, यानी कि एंटीजेंस और एंटीबॉडीज की स्टडी को हम लोग सेरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंसेक्ट्स स्प्रेड काला अजर। राइट आंसर है सैंडफ्लाई, सैंडफ्लाई जो होता है वो काला अजर को स्प्रेड करता है इंसेक्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड वेरिएशन। राइट आंसर है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जो है वो हेरिडिटरी और वेरिएशन के स्टडी में डील्स करता है। ओके, यानी कि जेनेटिक्स में ये सब पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स इज विटामिन डिफिशियंसी डिजीज, व्हिच बॉडी पार्ट इज अफेक्ट ड्यू टू इट्स। राइट आंसर है
बोन यानी कि रिकेट्स बीमारी में बोन इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम पोलन सैक टू स्टिग्मा कॉल्ड, राइट आंसर है पोलिनेशन, यानी कि पोलन ग्रेन पोलन सैक से स्टिग्म जो ट्रांसफर होता है वो उसको क्या कहा जाता है, राइट आंसर है पोलिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेबल आर स्पॉयल बिकॉज दे कॉन्टेंट रिच अमाउंट ऑफ, राइट आंसर है वाटर, यानी कि वेजिटेबल्स वाटर की ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से वेजिटेबल्स स्पॉयल हो जाते हैं यानी कि ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फैक्टर्स आर मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज इन प्लांट, राइट आंसर है फंगी, यानी कि जो प्लांट में जो डिजीज होते हैं उसके लिए ज़्यादातर फंगी जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विटामिन B12 व्हिच मेटल आयन इज प्रेजेंट, राइट आंसर है कोबाल्ट, B12 विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द फेनोमेनन फाउंड वेयर इन द फीमेल किल्स द मेल आफ्टर कॉपुलेशन, राइट आंसर है स्पाइडर, यानी कि स्पाइडर ऑर्गेनिज्म में जो फीमेल होता है वो कॉपुलेशन के बाद मेल स्पाइडर को मार देता है। ओके, ये स्पाइडर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिसिन फॉर एपिलेप्सी इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच लाइकेन, राइट आंसर है पार्मेलिया, यानी कि पार्मेलिया लाइकेन से जो एपिलेप्सी का मेडिसिन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोइनल हार्मोन रिलीज फ्रॉम द, राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड से लैक्टोइनल हार्मोन रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेटल इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12, राइट आंसर है कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच इज क्रोमोप्रोटीन, राइट आंसर है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्रोमोप्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच एनिमल इज रेस्पिरेशन डन बाय स्किन, राइट आंसर है फ्रॉग, यानी कि फ्रॉग में स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स डज नॉट स्टोर फूड, राइट आंसर है स्टिल्ट रूट्स, यानी कि स्टिल्ट रूट्स जो होते हैं वो फूड को स्टोर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि स्कर्वी डिजीज किस विटामिन की कमी के वजह से होता है, राइट आंसर है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच प्रोटीन ए वर्किंग वुमेन मस्ट इनटेक एवरी डे, राइट आंसर है 45 ग्राम, यानी कि 45 ग्राम प्रोटीन एक औरत को लेनी चाहिए हर दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड इट्स वर्क इज नोन एज, राइट आंसर है फार्माकोलॉजी, यानी कि फार्माकोलॉजी में मेडिसिन और उसके काम को स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज द इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ, राइट आंसर है प्रोटीन, प्रोटीन का एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्लैंड्स रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर और थर्मो रेगुलेटरी, राइट आंसर है हाइपोथैलेमस, यानी कि बॉडी टेम्परेचर और थर्मो रेगुलेटरी को हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज ए राउंड वर्म दैट एंटर्स मेन्स बॉडी थ्रू द सोल्स ऑफ द फीट, राइट आंसर है हुक वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, राइट आंसर है एम्ब्रॉयलॉजी, यानी कि एम्ब्रॉय की ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टडी को क्या कहते हैं, राइट आंसर है एम्ब्रॉयलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच हैज बीन फाउंड यूजफुल इन कीपिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन, राइट आंसर है गार्लिक, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करने के लिए कौन सा यूजफुल होता है, राइट आंसर है गार्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स वायरस डिस्ट्रॉय द, राइट आंसर है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट को एड्स वायरस डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन mg पर 100 ml लेवल इन एम्प्टी स्टोमक, राइट आंसर है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच फॉलोइंग इन रिलायबल फ्रॉम ब्लड प्रेशर, राइट आंसर है एड्रेनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच फॉलोइंग टू द एबनॉर्मल कंपोनेंट ऑफ यूरिन, राइट आंसर है कीटोन बॉडी।
राइट आंसर क्या है? कीटोन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हिच आर हेरेडिटरी कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट ट्रांसफर टू देयर ऑफस्प्रिंग? राइट आंसर है क्रोमोजोम्स, यानी कि क्रोमोजोम्स की द्वारा जो पेरेंट्स की जो हेरेडिटरी कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जाइमर्स डिजीज इन ह्यूमन बींग्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच डीजेनरेशन? राइट आंसर है डीजेनरेशन ऑफ नर्व सेल, यानी कि नर्व सेल की डीजेनरेशन की वजह से अल्जाइमर डिजीज ह्यूमन में यानी कि मनुष्य में कैरेक्टराइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट? राइट आंसर है इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए? राइट आंसर है कैरोट रूट, कैरोट रूट विटामिन ए का एक रिच सोर्स है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर मिल्क कंटेंट? राइट आंसर है लैक्टिक एसिड, यानी कि मिल्क में लैक्टिक एसिड की वजह से मिल्क सोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर हैव कलर ड्यू टू द पीरियड ऑफ? राइट आंसर है एंथोसियानिन, ओके, एंथोसियानिन की वजह से फ्लावर्स में कलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज? राइट आंसर है 100 to 120 days, यानी कि रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पैन होता है वो 100 से लेकर 120 डेज तक रहता है। ओके,